नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा CI/CD पाइपलाइन के ऊपर, यानी कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के ऊपर। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बता दूं कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट क्या होता है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब है कि हम लोग लगातार कोई चेंज करते जाए और हमारे डिप्लॉयमेंट जहां पर प्रोडक्शन होता है वहां पर वो डिप्लॉय साथ साथ होता जाए, तो दैट इज कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो ये पूरा जो है आप लोगों को समझ में आएगा जब हम लोग एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसे डिप्लॉय करेंगे किसी Azure DevOps के ऊपर या Azure के ऊपर जब हम लोग उसे डिप्लॉय करेंगे, तब आप लोगों को ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कैसे होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो मैं सीरीज से लेकर चल रहा हूं। और यहां पर मैंने जो कवर किया है वो .NET कोर MVC कवर कर दिया है, उसके बाद में मैंने REST API कवर कर दिया है, उसके बाद में Angular कवर कर दिया है, इसके साथ मैंने Entity Framework Core और SQL Server को साथ में लिया है, JavaScript के ट्यूटोरियल चल रहे हैं, C# के ट्यूटोरियल चल रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब यही है कि ये मेंबरशिप में चले हुए हैं। ठीक है, मेंबरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर इन सभी के वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को दिए जाते हैं और सारा का सारा सोर्स कोड भी दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 700 रुपीज में। 700 रुपीज में मैं अपनी जर्नी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे को 10 to 16 ईयर का एक्सपीरियंस है और इस 10 to 16 ईयर में मैंने जो सीखा है, मैंने जो जो काम किया है उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को ट्रेन करना चाहता हूं। दैट इज ओनली मैं आप लोगों की स्किल को डेवलप करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं अपने जो ट्यूटोरियल्स हैं वो एक मेरा ये एक जो है वो कोर्स नहीं है, एक या आप लोग कहें मल्टीपल सेक्शंस में मैंने कोर्सेज को नहीं डिवाइड किया है। कुछ लोग C++ का कोर्स अलग देते हैं, जावा का कोर्स अलग देते हैं, उसके बाद में अलग अलग जो है पाथ पर चलते हैं। मैंने .NET का एक फुल स्टैक डेवलपमेंट के साथ साथ रोडमैप क्लियर करने की सोची है और वो भी 700 रुपीज में। आज इसकी प्राइस 700 रुपीज है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को गूगल फॉर्म मिलेगा एंड फाइनली गूगल फॉर्म को फिल करना है, वहीं पर पेमेंट करना है और आप लोगों की जो है मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को जो है इसके फायदे बता दूं कि इसके फायदे क्या क्या है। एक तो ये है कि अगर आप लोग जॉब इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। दूसरा ये है कि आप लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा जो है मौका है, क्योंकि मैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर बताता हूं। जो स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं वो मैं आप लोगों को इसमें इंक्लूड करता हूं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि एंगुलर में भी अगर मैंने बनाया है तो स्टैंडर्ड लेवल का प्रोजेक्ट मैंने बनाया है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो लोग आज इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जो 700 फीस है उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो उनके फायदा है, क्योंकि आगे चलकर हो सकता है कि इसकी फीस कल ही बढ़ जाए, 1000 रुपीज हो जाए। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को वार्न कर रहा हूं क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए एक कोर्स नहीं है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस है, जैसे कि .NET कोर भी इसमें है, एंगुलर भी इसी में है, डेपर भी इसी में है, इसमें आप लोगों के पास ब्लेजर भी इसी में है, टेस्टिंग भी इसी में है, इसी में आप लोगों के पास जो है आगे चलकर ML.NET भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, जावास्क्रिप्ट भी इसी में है। सभी जो है वो सीरीज वाइज सीरीज हम लोग लेकर चलेंगे और स्टैंडर्ड लेवल की चीजें जो है हम लोग कवर करेंगे कि एक्चुअल में आप लोगों का प्रोजेक्ट इसी आर्किटेक्चर के ऊपर ऐसा होना चाहिए। जैसे सॉलिड पैटर्न है, सॉलिड का इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से बहुत सारे लोगों को करना नहीं आता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोस देख चुके होते हैं, लेकिन एक सही तरीके का पैटर्न जो है, जो मैंने प्रोवाइड किया है, वो एक सही तरीके का पैटर्न है। और उस पैटर्न को पढ़ने के बाद आप लोगों को लिटरली ये पता लग जाएगा कि हम लोगों को किस वे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उसको पढ़ने के बाद आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हैं, कैसा भी चीजें आप लोग सीख सकते हैं, लेकिन वो पढ़ना है और काम करना है तभी आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोई हवा में नहीं फेंक रहा और मैं आप लोगों को लिटरली बता देता हूं कि मेरे बनाए हुए कंटेंट है, फाइनली ये कंटेंट बहुत ही अच्छे हैं और जेन्यून है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसका ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है। अब बात कर लेते हैं CI/CD पाइपलाइन की, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट की। यहां पर डेवलपर जो होता है सबसे पहले, या DBA जो होता है, डेवलपर जो होता है, या हमारा जो या हम लोग कहें कि चलो ये दोनों ही मान लेते हैं, उसके बाद में हम लोग यही जो सोर्स कोड होता है वो हम लोग किसी न किसी SCM को देते हैं, यानी कि सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट को देते हैं, या तो GitHub को देते हैं या हम लोग Azure को दे देते हैं। उसके बाद में एक बिल्ड पाइपलाइन बनाई जाती है और डिप्लॉयमेंट किया जाता है, जो DevOps में या आप लोग कहीं पर भी आप लोग कर सकते हैं।
ठीक है। तो जो बिल्ड हम लोगों को बनती है वो DLL फाइल बनती है और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो इसमें इंक्लूड है। तो ये पूरा हम लोगों को एक PPT की सहायता से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये सारी की सारी प्रोसेस जो है वो कैसे होती है, ठीक है। तो CI/CD पाइपलाइन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का जो ट्रेंड है वो यही कहता है कि आप लोग कैसे डिप्लॉय करते हो अपने प्रोजेक्ट्स को, कैसे आप लोग उसे टेस्ट करते हैं, कहां पर इंटीग्रेशन टेस्टिंग यूज की जाती है, कहां पर UI टेस्टिंग यूज की जाती है, कहां पर ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को समझना आप लोगों के लिए जरूरी है और यही पूरी प्रोसेस इस पूरे वीडियो में हम लोगों आप लोगों को थ्योरेटिकली समझाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लिटरली लगता है कि ये मेंबरशिप बहुत ज्यादा फायदे की है तो 700 रुपीज में आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एक चीज नहीं है, बहुत कुछ है, ठीक है। बस सीरीज वाइज आप लोगों को पढ़ना है एंड फाइनली आप लोगों को अपना एम अचीव करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और CI/CD पाइपलाइन पर हम लोगों को जो है फोकस डालते हैं। लेकिन भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं अपने कोर्स को बहुत ही अल्टीमेट तरीके से डिजाइन मैंने किया है, ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल जरूर होगा। हमारी ये स्लाइड भी छोटी हो गई है क्योंकि इसमें बहुत सारे और कोर्सेज भी ऐड हो गए हैं। तो इसमें आप लोगों को सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना होता है और ये पेमेंट जो है आप लोगों को कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर एक गूगल फॉर्म है उसको आप लोगों को फिल करना है, वहीं पर पेमेंट का ऑप्शन है, तभी आप लोगों को पेमेंट जो है उसी से करना है QR कोड के थ्रू। तो ये .NET कोर का हो गया, डैपर हो गया, जो है डैपर अभी बाकी है, REST API हो गया, एंगुलर हो गया, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, SQL सर्वर है, React है। तो इसमें और कोर्सेज भी हैं, जैसे .NET Blazor भी हो गया, और कोर्सेज जैसे ML.NET स्टार्ट हो गया है, C# स्टार्ट हो गया है, DSA स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा CI/CD पाइपलाइन का ये पहला वीडियो है जो आप लोग देखेंगे, तो ये हमारी जर्नी है और ये प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज की जर्नी है जिसमें आप लोग बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों को सीखने को मिलेंगी, इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करने को आप लोगों को मिलेंगी। तो ये एक जर्नी है जो 10-15 ईयर्स की जर्नी है। मैं यही कहूंगा जिनको पसंद आता है और मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है वो जरूर ये चीज ज्वाइन करें। आज का जो प्राइमरी फोकस है वो हमारा है दैट इज कि CI/CD पाइपलाइन कैसे काम करता है। ये जो फेस हमारा है यहाँ पर, ये जो फेस हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे CI, यानी कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन यहां तक हो रहा है, और इस फेस को हम लोग बोलेंगे CD, ये कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट है। तो ये कैसे होता है क्या नहीं है पूरा हम लोग डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कंप्लीट सोर्स कोड होता है, राइट, सोर्स कोड है या स्क्रिप्ट फाइल है अपने पास है, ठीक है, या हमारे पास टेराफॉर्म भी होता है। तो ये कंप्लीट अपने पास जो है हम लोग किसको भेजते हैं, ये कंप्लीट हम लोग कोई भी जो सोर्स कोड मैनेजमेंट होता है, जो सोर्स कोड को मैनेज करने का काम करता है, जो अपनी रिपोजिटरीज को मैनेज करने का काम करता है, वो अपने पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि गिट है, गिटहब है, अजोर रेपो है, बिटबकेट है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ SCM है अपने पास, यहाँ पर अवेलेबल है ये SCM, और ये जो है Azure भी आप लोगों को SCM प्रोवाइड करता है Azure रेपो के थ्रू, जिसपे आप लोग अपने जितनी भी रेपोजिटरीज हैं वो अपने डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं SCM, सोर्स कोड मैनेजमेंट। फ्रीली अवेलेबल आप लोगों के पास GitHub है तो आप लोग GitHub के ऊपर, बहुत सारे वीडियोज जो है वो मैंने GitHub के ऊपर दे रखे हैं, तो आप लोग वहां पर अपना सोर्स कोड भी मैनेज कर सकते हैं, अपना सोर्स कोड वहां पर पुश कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों ने अपने कंप्लीट सोर्स कोड को यहाँ पर पुश कर दिया, किस पर, GitHub के ऊपर, ठीक है। तो इसका हम लोग बोलेंगे कि सोर्स कोड मैनेजमेंट जो है अपना मैनेज करने का काम करेगा इसको, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब हम लोग कंप्लीटली कोड के अंदर चेंज कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं कोड को। तो यहाँ पर जब हम लोग कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं पाइपलाइन को, तो यहाँ पर ये बिल्ड पाइपलाइन हमारी काम आती है, ठीक है। तो बिल्ड पाइपलाइन का मतलब होता है कि हमारे पास SCM से कंटिन्यूस इंटीग्रेशन जो है वो चल रहा है, और बिल्ड के दौरान, इस बिल्डिंग के दौरान हमारा का क्या होता है, बिल्ड पाइपलाइन के दौरान हम लोग क्या करते हैं, कुछ टेस्ट्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कि यूनिट टेस्ट है, स्टैटिक कोड एनालाइजर है, जनरेट स्क्रिप्ट है, टेस्टिंग द स्क्रिप्ट है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट केसेस हम लोग यूज करते हैं। जैसे यूनिट टेस्ट खासकर किया जाता है, स्टैटिक कोड एनालिसिस खासकर होता है, जनरेट स्क्रिप्ट करना, डाटाबेस की स्क्रिप्ट को जनरेट करना। जब हमारा कोड बिल्ड हो जाता है डेवलपर एनवायरनमेंट में, तो हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास .dll फाइल जो है वो बन जाती है, ठीक है, .dll फाइल बन जाती है जब हम लोग पैकेजेस को जनरेट करते हैं, तो .dll फाइल हमारे पास बन जाती है।
जब DLL फाइल हमारे पास बन जाती है तो हम लोग उसे डिप्लॉय करते हैं। तो ये जो डिप्लॉयमेंट होता है जो रिलीज पाइपलाइन के अंदर आता है, बिल्ड पाइपलाइन के अंदर नहीं, रिलीज पाइपलाइन के अंदर आता है, जिसको हम लोग यहाँ पर डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, ये रिलीज पाइपलाइन के अंदर आता है। और इसका एनवायरमेंट जो होता है, जो यहाँ पर एनवायरमेंट होता है, ये डेव एनवायरमेंट भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो एनवायरमेंट होता है रिलीज पाइपलाइन का, इसका होता है प्रोडक्शन एनवायरमेंट। ठीक है, ये प्रोडक्शन एनवायरमेंट जो है आप लोगों के लिए, आप लोग सब यहां पर ये जो है करेक्शन है, तो आप लोग यहां पर ये लिख सकते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, ये प्रोडक्शन एनवायरमेंट जो है रिलीज पाइपलाइन में यहां पर आता है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहां पर हमारा पैकेजेस जो है वो डिप्लॉय हो जाएंगे। लेकिन डिप्लॉय करने के दौरान भी हम लोग कुछ टेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, यूआई टेस्ट होता है, यूआई को टेस्ट करना, डिप्लॉय सीक्वल स्क्रिप्ट करना, डिप्लॉय इंफ्रा कॉन्फिग फाइल्स जो है वो चेक करना। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट है जिसमें हम लोग रिलीज पाइपलाइन यहाँ पर यूज करते हैं प्रोडक्शन के दौरान। तो दैट इज की हमारा कंप्लीट कोड हम लोग SCM के थ्रू भी पोस्ट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन जब हम लोग अपने कोड को चेंज करते हैं, कोई भी कोड के अंदर कोई भी चेंज करना और उसके बाद में डिप्लॉय पर चेंज हो जाना, यानी रिलीज पाइपलाइन के अंदर चेंज हो जाना, CI/CD पाइपलाइन कहलाता है, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन यानी लगातार हम अपना इंटीग्रेशन करते रहते हैं। और जैसे ही हम लोग अपना पुश करते हैं तो बिल्ड पाइपलाइन जो है उसे बिल्ड करती है और डिप्लॉय कर देती है। दैट इज द प्रोसेस इज ऑटोमेटिकली डन। तो ये DevOps के थ्रू हम लोग ऑटोमेटिकली डन करते हैं। CI/CD टूल्स के बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं, उसमें हम लोग जो काम में लेने वाले हैं वो Azure DevOps है। ठीक है, Azure DevOps हम लोग जो काम में लेंगे वो पेड फ्री है Azure DevOps आप लोगों के लिए अभी तक, तो ठीक है उसे हम लोग काम में लेंगे। एक है Jenkins भी है, GitLab भी है, GitLab CI जिसको हम लोग बोलते हैं, Circle CI भी है और GoCD भी है। ठीक है, तो ये कुछ अपने पास है, जैसे कि जो CI/CD पाइपलाइन है हमारे पास वो कौन कौन से हैं, जैसे कि Jenkins है, Jenkins है, दूसरा अपने पास है, अपने पास है Azure DevOps, तीसरा अपने पास है GitLab CI, चौथा अपने पास है Circle CI, पांचवा अपने पास होता है इसमें GoCD। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपने पास क्या है, CI/CD के टूल्स हैं। तो अपन जो काम में लेंगे वो Azure DevOps काम में लेंगे और ये प्रोसेस जो है हम लोग करके देखेंगे। गॉट इट। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लिटरली ये लगता है कि आप लोग ये सारी चीजें सीख सकते हैं, सारा मैनेजमेंट टूल वगैरह सीख सकते हैं, तो आप लोग जो है मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये सारी चीजें जो है मेंबरशिप में डालूंगा, और जो लोग सीखना चाहते हैं, और मैंने शुरुआत से ही मैंने ये कहा है कि मैं एक पूरा का पूरा रोड मैप लेकर चल रहा हूँ जिसे मैं डन करूंगा और ये कंप्लीटली आप लोग सीखेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने कोड सिखाया है कि कोड कैसे बनाते हैं, कोड को कैसे यूज करते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाली बात होती है। उसके बाद में हम लोग Azure DevOps पर आएंगे। तो ये सारा एक बिल्ड पाइपलाइन पूरा का पूरा समझाना मेरे को आप लोगों को है। ठीक है, तो ये मैं पूरा का पूरा मेंबरशिप वालों को समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर ये सारा का सारा समझ में आएगा जब हमारा ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा, उसमें टेस्टिंग वगैरह चलेगी, तो ये सारा का सारा वहीं समझ में आएगा।